हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल सोल डिफेंस। देखिए, आज का अपडेट सोल के न्यू एडमिशन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, सोल का फर्स्ट सेमेस्टर का स्टडी मटेरियल ऑनलाइन डाउनलोड करना सीखिए। मतलब आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का स्टडी मटेरियल होगा, यानी स्टडी मटेरियल यानी बुक्स, जो आप ऑनलाइन डाउनलोड कैसे कर सकते हैं और अपने कोर्स का स्ट्रक्चर कैसे देख सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी, कौन कौन से आपके पास सब्जेक्ट हैं और क्या क्या टॉपिक्स होंगे उनमें, तो ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सोल के अंदर एडमिशन नहीं लिया है और जो सोच रहे हैं सोल में एडमिशन लेने का, कौन सा कोर्स चूज़ करें। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कोर्स कोर्स में कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से सब्जेक्ट हैं, और आपको एक ऊपर ऊपर से ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ, मुझे इस कोर्स की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि आपके पास जब सिलेबस होगा, स्टडी मटेरियल होगा और पूरा स्ट्रक्चर होगा, तो आपको सामने सब क्लियर होगा कि मुझे बीकॉम में जाना है या बीए में जाना है, और बीकॉम में भी ऑनर्स में जाना है, प्रोग्राम में जाना है, और बीए में भी प्रोग्राम में जाना है, ऑनर्स में जाना है। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वरना आप सर्च भी कर सकते हैं एसओएल डिफेंस, उसे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको पूरा सोल की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके जाके बताया जाएगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप अपना स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्रोम पे आ जाना है और यहाँ पे सर्च बार को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है DUSOL। जैसे आप DUSOL को टाइप करेंगे, आपके सामने पहली ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, soldu.ac.in। तो आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस टाइप का कुछ इंटरफेस होगा। ये अगर आप फ़ॉन्ट रोटेट करेंगे तो इस टाइप का होगा, वरना आप सीधा करेंगे तो आपको तीन लाइनें दिखेगी। तीन लाइनों पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा कंटिन्यू टू वेबसाइट। ये होता है एक पेज दे रखा है, ओवरव्यू दे रखा है कि हाँ, जो आपके एडमिशन चल रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आप यहाँ से भी अपना स्ट्रक्चर देख सकते हो। तो आपको सीधे अंदर चला जाना है ऑफिशियल वेबसाइट में, कंटिन्यू टू वेबसाइट रेड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप आएंगे यहाँ पे, अब देखिए स्टूडेंट लॉगिन, अभी आपके पास बार कोड वगैरह नहीं है, तो ये अच्छी बात है। स्टडी मटेरियल के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, कोई भी स्टूडेंट डाउनलोड कर सकता है सोल का स्टडी मटेरियल, चाहे वो रेगुलर में पढ़ता हो चाहे एनसीए में पढ़ता हो, वो भी सोल के स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब बात है यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल बिल्कुल नहीं करना है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं न्यू UGPG प्रोग्राम NEP, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे आपको तीसरे पांचवा आपको ऑप्शन मिलेगा UG स्टडी मटेरियल NEP। अब बात रही NEP का मतलब क्या है, ये थंबनेल में भी लिखा होता, न्यू एग्जाम पॉलिसी भी कह सकते हैं। तो आप उसके ऊपर क्लिक कर देना है, UG स्टडी मटेरियल NEP। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने सारे कोर्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। BA ऑनर्स, BA पॉलिटिकल साइंस, BA इंग्लिश ऑनर्स, BCom ऑनर्स, BA प्रोग्राम, BCom सेमेस्टर, BA। अब देखिए इन सब के आगे आपको दिखेगा फर्स्ट और सेकंड। अब आप हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि एक साल में आपके दो सेमेस्टर होंगे, तो आपको नीचे के छः वाले देखने हैं। अब जो आपने कोर्स ऑप्ट किया है, जो भी आपने कोर्स लिया है या जिसके आपने एडमिशन फीस पे करके सोल में एडमिशन लिया है, तो आप उस कोर्स पे क्लिक कर देना है। मैं अभी आपको बताता हूँ बीकॉम ऑनर्स का फर्स्ट सेमेस्टर है, तो मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सारा इंटरफेस शो हो जाएगा कि मेरे पास कौन कौन सा सब्जेक्ट है और क्या क्या है। देखिए, सबसे ऊपर दे रखा AEC सब्जेक्ट, जो आपका EVS होगा वो कन्फर्म है। उसके बाद DSC, यानी तीन आपके फिक्स सब्जेक्ट होंगे जिन्हें आप फिक्स रहेंगे कि उन्हें आप चूज़ नहीं कर सकते, उसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो तीन तो ये हो गए, चार AEC वाला सब्जेक्ट, चार सब्जेक्ट ये, पांचवा जनरल एक्टिव, इसमें आप चूज़ कर सकते हैं, आपको ऑप्शन मिला हुआ एडमिशन के टाइप। छठा ACC सब्जेक्ट और सातवा VSC, तो ये आपके सात सब्जेक्ट होने वाले हैं। अब देखिए, इसमें आपको सारे जो चॉइस वाले ऑप्शंस में जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी दे रखे हैं और जो आपके फिक्स सब्जेक्ट है वो भी दे रखे हैं। अब बात रही इनको डाउनलोड कैसे करना है। अब मान लीजिए, आपको समझ लीजिए बिजनेस लॉ का डाउनलोड करना है, तो आपको दिखेगा एक यहाँ पे एक्रोबेट का साइन लिखा हुआ PDF टाइप का, तो व्हाइट के अंदर जो रेड कलर के तीन निशान बने हुए हैं, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है Unit 1 to 5। अब स्टूडेंट कहेंगे डाउनलोड तो नहीं हुआ, उसके लिए आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करना होगा। आप यहाँ आएंगे नीचे नीचे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा ओपन, तो आपको इस ओपन पर क्लिक करना है। जैसे आप ओपन पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली डाउनलोड होकर ऑटोमेटिकली ओपन होकर दिखाई देगा आपको। देखिए डाउनलोड हो रहा है, देखिए ऑटोमेटिक ओपन हो गया। अब आपको उसके ऊपर ड्राइव के ऊपर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे आपको पूरा दिखा देगा कि सिलेबस क्या है, स्टडी मटेरियल में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, देख सकते हैं कंटेंट, Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4, Unit 5, पाँच यूनिट होने वाली है और सभी यूनिट के बारे में बता रखा है, तो आप उसको लास्ट तक देख सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई कैसे डाउनलोड करना है, पूरा प्रोसेस मैंने समझा दिया है। ऐसे आप दूसरा भी कर सकते हैं डाउनलोड, देख सकते हैं जो भी आपको सब्जेक्ट चाहिए। बाकी इसके बारे में जो आपका डैशबोर्ड है, स्टूडेंट लॉगिन दिख रहा है, इसको कैसे करना है, क्या करना है, ये आपको बाद में बताया जाएगा जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अभी के लिए आपको वेबसाइट के बारे में इतना जान लीजिए, आपके लिए सफिशिएंट है। तो चलिए फिर वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके जरूर जाएगा, और जो भी डाउट हो तो आप वो भी आप पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को खत्म करते हैं।